की बात नहीं है, तुअर की खरीदी का सवाल है। मध्य प्रदेश में किसानों ने दलहन का बंपर उत्पादन किया है, तुअर भी बहुत अच्छी फसल आई है, पैदा हुई है, और इसलिए कई जगह न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे तुअर के दाम चले गए। हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है, एक तो समर्थन मूल्य के नीचे कोई व्यापारी ना खरीद पाए, अगर वो FAQ मतलब घटिया क्वालिटी की है तो बात अलग है, उसकी बात मैं नहीं करता, लेकिन जो सामान्य तुअर है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदेगी, हर हालत में खरीदेगी। आज मैंने माननीय कृषि मंत्री जी से बातचीत की, अभी 89,000 मीट्रिक टन मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर यहाँ खरीदे जाने से तुअर, हमने कहा है कि और ज़्यादा चूँकि हमारे यहाँ हुई है तो केंद्र सरकार सहमत है इस कोटे को बढ़ाने के लिए, मैंने उनको पत्र भी पूरा लिख दिया है, और इसलिए निर्देश यही दिए कि जो तुअर है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिकना चाहिए। जितना भी उत्पादन है किसानों से ये कमिटमेंट है हमारा जिसको हम पूरा करेंगे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तुअर खरीदी जाएगी। खरीदी केंद्र पर्याप्त है, मैंने आज समीक्षा करने के निर्देश दिए, जहाँ से और डिमांड आएगी हम खोल देंगे। सर, ये दो युवा जो उत्तर प्रदेश में उद्यम मचा रहे हैं, आप क्या देखते हैं? और मोदी जी जिस तरीके से, युवा वो होता है जिसकी उम्र 15 साल से लेकर 35 साल की होती है, वो युवा थोड़ी होता है। युवा वो होता है जिसके पैरों में गति होती है, युवा वो होता है जिसके सीने में आग होती है, युवा वो होता है जिसकी आंखों में शोले होते हैं, युवा वो होता है जो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ झुकता नहीं, टकरा के उसको समाप्त करके दम लेता है, युवा वो है जो भारत जैसे देश को दुनिया का सरताज बना देता है और देश का मान सम्मान और शान पूरी दुनिया में बढ़ाता है। तो असली युवा तो आज नरेंद्र मोदी हैं।